बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है ऐसे सांप पकड़ने में, कितने तेज़ी से अटैक करेगा ना, एक सेकंड के अंदर हाथ को काट कर निकल जाएगा। ये देखिए, तो ये देखिए काटने के लिए प्रयास कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम आकाश जाधव और आप देख रहे हैं सर पवित्र आकाश जाधव यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं पांड्री पुल, ये अहमदनगर ज़िला में आता है। तो शुभम शेटे, इन्होंने कॉल किया था, इनका यहाँ पर एक खेत तालाब है और यहाँ पर सामने ही एक खेत तालाब है, उसमें दो सांप है। इससे पहले यहाँ पर देखिए ये खेत तालाब किस तरह है। जब खेत तालाब बनाने से पहले इस तरह होता है, ये खुदाई की जाती है जेसीबी से। ये अभी नया बनाने वाले हैं, फिलहाल इसको देर है। तो इसके बगल में ही आप देख सकते हैं बड़ा सा खेत तालाब एक और। तो जैसे कि मैंने कहा, हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे खेत तालाब होते हैं किसानों को। ये देखिए आप कितना बड़ा ये खेत तालाब, और इसमें दो सांप गिरे हुए हैं। तो कुछ वीडियो में, जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ वीडियो हमारे खेत तालाब के आए हुए हैं, उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप एक ही खेत तालाब में सांप दिखाते हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारे महाराष्ट्र में ऐसे खेत तालाब बहुत सारे होते हैं। एक गांव में आपको लगभग 200-300 खेत तालाब, उससे भी ज़्यादा खेत तालाब देखने को मिलेंगे। इस हिसाब से अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो हज़ारों लाखों खेत तालाब हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सांप गिरते रहते हैं। तो आज देखिए सामने ही बड़ा सा एक खेत तालाब और उसमें दो रसल स्पाइपर गिरे हुए हैं। तो चलिए अभी हम रेस्क्यू शुरू करते हैं दोस्तों। काफ़ी बड़ा ये खेत तालाब है, काफ़ी स्पेस इसका बड़ा है और गहराई भी ज़्यादा है इसकी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बड़ा सा खेत तालाब, और यहाँ पर बिल्कुल खड़े रहने के लिए स्पेस नहीं है, फिर भी हमने अभी जगह बनाई है। तो चलिए इसको रेस्क्यू करता हूँ मैं। पकड़ो, ये पकड़ो टाइट। कसा धरा सोडा, थोड़ा थोड़ा टाइट धरा आता। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही खतरा है इस रेस्क्यू में, काफी गहरा है ना ये। थोड़ा थोड़ा तो ये देखिए काटने के लिए प्रयास कर रहा है रसल स्वाइपर। पकड़ पकड़। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली इसको रेस्क्यू कर लिया, और देख सकते हैं कितना झपेट रहा है काटने के लिए। ये देखिए काफी गुस्से लिए रसल स्वाइपर सांप, अटैक की स्थिति में, भारत देश का सबसे खतरनाक। ये देखिए काटने की फिराक में है। तो देखिए किस तरह हाथ पर आ रहा है काटने के लिए। कुकर की सीटी की तरह इसकी फुंकार। हाँ।
हिंदी में इस सांप को चित्ती, इंग्लिश में रसल स्वाइपर स्नेक, महाराष्ट्र में इसे घुनस इस नाम से जानते हैं। और सर्दी के मौसम में सांप ज़्यादा निकलते हैं, खेत तालाब में आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। महाराष्ट्र में जितने भी खेत तालाब हैं कहीं ना कहीं ये सांप गिरते ही रहते हैं। तो चलिए मैं इसको बिना देरी के बैग में डालता हूँ, बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है। बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है ऐसे रेस्क्यू में। दोस्तों आपने देखा काफ़ी खतरनाक रसल स्वाइपर एक रेस्क्यू किया, एक और छोड़ो धीरे धीरे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, हमारे महाराष्ट्र में और अहमदनगर ज़िले में ऐसे खेत तालाब जो है बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं ये सांप गिरते रहते हैं। ये आपने स्पेस देखा, काफ़ी बड़ा स्पेस और काफ़ी गहरा ये खेत तालाब है। थोड़ा सा छोड़ा, खींचो। इसने पूरी तरह से कोऑपरेट किया, पहला वाला जो था बहुत ज़्यादा, ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी फुंका रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है ऐसे सांप पकड़ने में, कितने तेज़ी से अटैक करेगा ना, एक सेकंड के अंदर हाथ को काट कर निकल जाएगा। ये देखिए किलाली काटने की फिराक में। ये देखिए, तो दोस्तों ऐसे जो रसल स्वाइपर है बहुत ज़्यादा गुस्सेल होते हैं, कतई इसको पकड़ने की कोशिश ना करें। इसके लिए लगभग 2-4 साल का तजुर्बा चाहिए, तभी आप सांप पकड़ सकते हो। कभी भी बिना जानकारी के सांप नहीं पकड़ना, वरना ये ख़तरनाक सांप आपको काट लेगा। तो नाम फिर एक बार बता रहा हूँ, इंग्लिश में रसल स्वाइपर स्नेक, हिंदी में चित्ती, मराठी में घुनस और साइंटिफिक नेम दबोइया रसरी। तो चलिए इसको बैग में डालता हूँ, क्योंकि अटैक की स्थिति में है, इसकी काटने की फिर ये काटने की फिराक में है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो में बने रहना। इन दोनों सांपों को हम एक सुरक्षित जगह पर रिलीज़ करने वाले हैं पर्यावरण में। तो दोस्तों आपने देखा, दो सांप रेस्क्यू किए थे खेत तालाब में, इन दोनों को यहाँ पर मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। काफ़ी ख़तरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन था, फिर भी हमने कर दिखाया। ये दोनों सांप भी हमने उस खेत तालाब से रेस्क्यू किए, और अभी आप देख सकते हैं इन दोनों को इस पर्यावरण में मैंने रिलीज़ किया, और ये अभी अपने पर्यावरण में आज़ाद है। इसी तरह सांपों के बारे में जानकारी जानने के लिए, सांपों की रेस्क्यू वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर दबाएँ।